सबसे पहली बात, कैल्विनिज्म एक डॉक्ट्रिन है जो शुरू किया था जॉन कैल्विन ने। जॉन कैल्विन की स्टडी के आधार पर उनका शिक्षा ये है कि बहुत सारे पॉइंट है उसमें, जिसमें PULIP के शॉर्ट फॉर्म से उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। आप गूगल करके इसका फुल फॉर्म चेक कर सकते हैं, PULIP। तो उसमें से एक मुद्दा है जो हमेशा हाईलाइट होता है जब भी कैल्विनिज्म के बारे में बात करते हैं, वो है वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, यानी कि अगर आपका एक बार उद्धार हो गया है तो आप अपने उद्धार को कभी नहीं खो सकते। ये एक शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा है अर्मेनियन का। अर्मेनियन ये शिक्षा देते थे कि यू कैन लूज़ योर सेल्वेशन, आप अपने उद्धार को खो सकते हैं। तो दोनों एंड जो है काफ़ी एक्सट्रीम है। एक है कैल्विनिज्म का, वो कहते हैं कि एक बार उद्धार हो गया तो आप कभी भी नहीं खोएंगे। दूसरा है अर्मेनियनिज्म, उसमें सिखाया जाता है कि आप अपना उद्धार खोएंगे। एक कहता है कि नहीं खोएंगे, एक कहता है खोएंगे। मैं कहता हूँ ये दोनों एक्सट्रीम एंड में जाना हमारे लिए घातक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। सो मैं ना ही कैल्विनिज्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं अर्मेनियनिज्म को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप पूछेंगे कि फिर आपका स्टैंड पॉइंट क्या है। मेरा स्टैंड पॉइंट जाने से पहले मैं आपको कैल्विनिज्म का नेगेटिव व्यू मेरे अंडरस्टैंडिंग से, मेरे स्टडी से क्या है वो बताता हूँ, और अर्मेनियनिज्म का नेगेटिव आउटपुट क्या है वो मेरे अंडरस्टैंडिंग से, मेरे स्टडी के हिसाब से मैं बताता हूँ। कैल्विनिज्म को जब हम ले लेते हैं, इंसान एक ऐसे मोड पे चला जाता है जहाँ पर उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं इलेक्ट हूँ, मैं प्रीडेस्टिन्ड हूँ, चाहे कुछ भी करूँ मैं स्वर्ग पे जाऊँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक इंसान को जो है एक ऐसे कंफर्ट जोन में डाल देता है कि वो उसके मन में ये थॉट रहता है। मोस्ट कैल्विनिस्ट लोगों से जब मैं बात करता हूँ, उनका थॉट यही रहता है कि चलो तुम इस चीज़ का चिंता मत करो, उस चीज़ का चिंता मत करो, जो लोग इलेक्टेड हैं वही लोग स्वर्ग में जाएंगे। और वो ये सवालों को इग्नोर करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ। अगर सभी जाति के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना है तो हम मेहनत क्यों करें, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी लोगों को चुन के रखा है, इलेक्टेड है। तो फिर हम जाकर बताएं या नहीं बताएं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम जाकर बताएंगे भी, जो लोग इलेक्टेड नहीं हैं वो लोग तो नर्क जाने ही वाले हैं। तो इसीलिए जो है कैल्विनिज्म एक साइड से लोगों को एक ऐसे कंफर्टेबल जोन में डाल देता है जो कि काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स को जो है वो नज़रअंदाज करता है, जैसे कि ग्रेट कमीशन हो गया। अब इसमें एक्सक्यूज़ेस कुछ कैल्विनिस्ट लोग देते हैं, उनका एक्सक्यूज़ ये होता है कि नहीं तुमको नहीं पता ना कि कौन इलेक्टेड है नहीं है, तो तुम जाकर क्या करो, तुम बताओ और जो सुनेगा और एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्टेड है, जो नहीं सुनेगा वो नॉन इलेक्टेड है। तो मेरा तो कहना यही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नहीं कहने पर भी इलेक्टेड तो प्रभु के पास आने ही वाला है, तो कैल्विनिज्म ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी कम पड़ जाता है एक्सप्लेनेशन में। और जब मैंने एक कैल्विनिस्ट अपोलोजिस्ट से मैंने बात किया, तो मैंने उनको पूछा कि अगर मैं मर्डर करता हूँ, रेप करता हूँ, तो क्या मैं स्वर्ग जाऊँगा? तो उन्होंने बोला कि देखो उसके लिए तुमको दुनिया में पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार तुम नहीं खोएंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है, यदि एक स्त्री को मैंने गलत नज़र से देख लिया तो मैंने व्यभिचार कर लिया। और जब हम पॉल के पत्र को पढ़ते हैं, व्यभिचार भी जो है मुझे नर्क में डाल सकता है। तो ये डॉक्ट्रिन जो है बहुत सारे एस्पेक्ट से जो है कम पड़ता है एक्सप्लेनेशन के लिए। अब दूसरी तरफ चलते हैं अर्मेनियनिज्म के हिसाब से। अर्मेनियनिज्म क्या सिखाता है कि आप अपना उद्धार को खो सकते हैं। तो वो भी जो है एक्सट्रीम स्टैंड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वो इंसान को एक निरंतर डर के अंदर रखता है कि भैया आप अपना सेल्वेशन खोएंगे, तो वो अपने सेल्वेशन को वर्कआउट करना शुरू कर देता है। वो अपने सेल्वेशन को बनाए रखने के लिए क्या करता है, काम करने लगता है। उसको लगता है कि मैं ज़्यादा प्रेयर करूँगा, ज़्यादा फास्टिंग करूँगा, ज़्यादा ये करूँगा वो करूँगा, तो मेरा सेल्वेशन बचा रहेगा। सो ही स्टार्ट्स अर्निंग हिज सेल्वेशन। तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से बच जाना है। एक है जो कंफर्टेबल जोन में डाल देता है कि आई विल नॉट लूज़ माई सेल्वेशन, और एक जो है आपको एक हीटेड गैस के ऊपर बैठा देता है कि आई विल लूज़ माई सेल्वेशन। सो मुझे काम करते रहना पड़ेगा, वर्क बेस्ड सेल्वेशन बन जाएगा। सो मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है, मैं एक मॉडरेट व्यू लेना चाहता हूँ। मेरा मॉडरेट व्यू ये है कि बाइबल मुझे बताती है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन पाएगा,
और उसके बाद बाइबल ये भी मुझे कहती है कि ना रोमियो की किताब 12वां अध्याय में पहला वचन दूसरा वचन सब आप पढ़ते हैं, वो एक लिविंग सैक्रिफाइस के जैसा हम अपने आप को रहने के लिए बाइबल हमें सिखाती है, रीजनरेशन हमको सिखाती है। तो जब आपका उद्धार हो गया है, अगर आपके अंदर आश्वासन है कि यस मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है कि मेरा उद्धार खो जाएगा, और ज़्यादा ही कंफर्टेबल बन के नहीं बैठना है, क्योंकि न्याय जो है परमेश्वर के हाथ में है। जब आप कैल्विनिज्म को अपना रहे हैं, आप खुद डिसाइड कर लिए हैं कि हाँ मैं हेवन जा रहा हूँ, तो मतलब यू हैव टेकन ए डिसीजन। एक अश्योरेंस, अश्योरेंस अलग होता है, डिसीजन अलग होता है। यहाँ पर कैल्विनिज्म में आप अश्योरेंस से आगे बढ़कर एक स्टेप में चले जाते हो, डिसीजन यू हैव डिसाइडेड कि आप जो है स्वर्ग जाने वाले, देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ यू नो जो न्याय का दिन आएगा, वो न्याय के दिन में क्या होगा, फिर आपको कोई मतलब ही नहीं है जब न्याय का दिन आएगा, बिकॉज ऑलरेडी आप जानते हो कि आप सेव हो गए हैं। और अर्मेनियनिज्म वो मरते दम तक एक डर में रह जाएगा कि भाई मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। सो आपको क्या करना है, आपका उद्धार हो गया है, आप अपने उद्धार का क्रिया को क्या करना है, आपको करना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय उद्धार का क्रिया, जो कि आई थिंक हम बाइबल में पढ़ते हैं याकूब की किताब में, विश्वास बिना यू नो क्रिया मरा हुआ है, क्रिया बिना विश्वास दोनों भी मरा हुआ है। सो अगर विश्वास है तो क्रिया होगी, अगर क्रिया है तो विश्वास होना अनिवार्य है। तो आपका उद्धार हुआ है तो आप यीशु मसीह के कमांडमेंट्स में फॉलो कीजिए, उनके सुसमाचार को बांटिए, उनके डॉक्ट्रिन्स को स्टडी कीजिए, अपने आप को पवित्र आत्मा की मदद से रोज़ यू नो रीजनरेट कीजिए, रोज़ क्या कहते हैं ना आगे बढ़ते जाइए। देन उसके बाद डिसीजन लीव इट टू गॉड, परमेश्वर देख लेंगे अगर आपको स्वर्ग में भेजना है नहीं भेजना है, वो परमेश्वर की मर्ज़ी, आपको ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा स्टैंड पॉइंट है, उद्धार हुआ है, देन उद्धार होने के बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या करो, फोकस करो एंड हैव दैट एश्योरेंस कि हाँ ब्लेसड एश्योरेंस जीसस माइन, मैं जा रहा हूँ स्वर्ग पे, एश्योरेंस इज फाइन बट डिसीजन मत लो, दैट्स ऑल आई कैन से। तो ये जस्ट एक ब्रीफ आइडिया है कैल्विनिज्म और अर्मिनियनिज्म में मेरा स्टैंड पॉइंट का।